एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो आज सब कुछ आराम से हो रहा है क्योंकि आज एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम है इंग्लिश का, एंड बस भी आएगा 7:50 पे। तो सब धीरे, लेकिन वही टाइम पे उठ गई थी मैं, तो उसका ड्रेस आयरन करना भूल गई थी, दैट्स वाई अभी मैं खाना भी बना रही हूँ एंड कपड़े भी प्रेस कर रही थी। बोलिए तो अभी बना रही हूँ सोयाबीन आलू सूखा ड्राई बनाऊँगी और रोटी। भगवान को कितना भी बुला लो, अगर पढ़ोगे नहीं तो भगवान भी आके तुम्हारा एग्जाम मतलब वहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाला है। और ये सारा हो गया है, सारा हो गया है, सारा हो गया है, खाली यही बोले जा रही है। अभी भी मैं बोली पढ़ लो तो बस मैं पढ़ के क्या करूँगी, मतलब घर में नहीं पढ़ना है, टाइम है तो कुछ वैसे। अरे तो फिर सब कुछ कर लो, टाइम बचेगा तो। यहाँ पे मसाला रेडी हो गया, अब जाएगा सोयाबीन और बाजार टू शॉप शहनाज वेडिंग। ओके, ये रहा हमारा सोयाबीन रेडी, ये रही घी चुपड़ी हुई रोटी। गाइस गई हिंदी का हैंड में लग रही हूँ चंपू पूरा। तो आज कॉलोनी के सारे छोटे बच्चे भी साथ ही में गए, मतलब एग्जाम चल रहा था, सब साथ में गए मुझे, तो इसलिए मैं शूट वूट नहीं करी बाहर, मज़ा नहीं आता थोड़ा सबके सामने। पढ़ने के लिए बोली थी ना, मुश्किल से 5 मिनट पढ़ी है वो, और क्या ही लिख के है कि वही जाने। मेन इन लोग का क्या होता है ना, रिविज़न करवा देते हैं और मतलब उसी में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये लोग फ्री हो जाते हैं कुछ वैसे। अब देखते हैं, सारे कपड़े लगते इधर उधर इधर इधर, मैं जितनी ज़्यादा क्रैम्पिंग हो रही है ना, देखो मैं अपना पेट पकड़ के बैठी हूँ, मतलब थोड़ा सा उठने में इधर उधर हो जाए तो मतलब ऐसे पूरा पेट में जितने भी नसें हैं ना पूरी खींच लेते हैं। वॉशरूम जाओ तो मतलब मैं पिछले मतलब एक वीक से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। वैसे तो आज डॉक्टर के पास जाने वाली थी बट मैंने मना कर दिया कि मतलब और कुछ दिन जाने देते हैं फिर जाएंगे बोल के, लेकिन इतनी ज़्यादा क्रैम्पिंग क्यों हो रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सो गाइस, अभी 12:45 हो रहा है, मैं बेड पे हूँ। आज मेरे को बिल्कुल लेजी फील हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। हस्बैंड को बोला तो खाना बना लो, तो उनका अभी कुछ आज रिएक्शन नहीं आया, तो मैं ठीक है चावल में आलू डाल दूँगी, अंडा बना दूँगी, हो गया अंडा ऑमलेट। सुबह सोयाबीन बनाई थी ड्राई सोयाबीन, और फिर वो अपने लिए मिर्ची पकौड़ा लेके आए, मतलब इतना चिल्ला रहे हैं, इतना ऑयली है वो, उसको हर दूसरे दिन ला रहे हैं खा रहे हैं, उसकी स्मेल भी मेरे को बर्दाश्त नहीं होती, कुछ वैसे टाइप हो गया अभी तो जा रहे हो स्मेलिंग। कपड़े भी मशीन में पड़े हैं, वो निकल लिए अपना, अब उठते हैं क्या करें। कपड़े धोने गए, मशीन खाली कर दिया, नल चला रही हूँ तो पानी ही नहीं आ रहा, अब बैठे रहो कब पानी आएगा। अभी गर्मी आया नहीं है, गर्मी में तो और ख़तरनाक पानी की प्रॉब्लम होती है। बताइए अपनी मुज़ुबानी। बहुत अच्छा, आंसर हर बार तो बोलते हो, फिर अगली बार मैं थोड़ा गलत शायद भी आंसर बता देती थी, ऐसे लगा ये जो पूरा आंसर भी लिखा हूँ। अच्छा, आंसर भी लिख दे हो एक बार। कितना गलती निकलेगा? बहुत इजी क्वेश्चन पेपर था तो, एंड इन लोग का सब्जेक्ट जो है ना मतलब 1.5 महीने पहले से मैम जो है वो कंप्लीट करा दी थी, अगर बच्चे फिर अगर नहीं भी कर दें तो वो टीचर का कोई उसमें वो नहीं है बोलो, तो हिसाब से अब देखते हैं जब आंसर सीट हाथ लगेगी। हर बार सही सही होता है, फर्स्ट टर्म में क्या करके आई थी ना, दो गलत निकला था उसको भी सही करके आई थी। इसका रीचेकिंग भगवान भरोसे रहे, इस बार मैं अच्छे से की हूं। मैं तो बोली हूँ इस बार अगर ऐसा कुछ होगा तो वहीं पे तुमको पड़ेगा। हर बार बोलते हो, इस बार करके दिखाऊंगी। कभी नहीं करते हो, देख लेना। मैं तो इस बार ही मारने वाली थी जारा मैम के, इंग्लिश में क्या करी थी, यूनिफॉर्म था ना तो भले ही वहाँ पर यू है, वोवेल्स है, लेकिन वो साउंड तो कॉन्सनेंट कर रहा है, और एक यूनिवर्सिटी था तो यहाँ पर ये वो
गलत करके आई है, एन या एक ऐसा कुछ लग रहा था, वहाँ गलत करके आई है ये। मेरा बहुत दिमाग खराब होता, 4 मार्क का था, 4 मार्क ऐसी। वैसे भी दीघा जो भी पढ़ रही है खुद ही पढ़ रही है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूँ। प्रेगनेंसी में एक तो वैसे ही चिड़चिड़ापन इधर उधर रहता है, मैं तो अगर कुछ डाउट रहता है तो वो भी आजकल उसके पापा बताते हैं, मैं नहीं बताती हूँ। तो जो भी पढ़ रही है वो अपनी मेहनत से पढ़ रही है, एंड कोचिंग भी नहीं जाती है। जो बच्चे फर्स्ट आते हैं सेकेंड आते हैं वो ट्यूशन जाते हैं, तो मेरी बेटी बिना पढ़े भी अगर थर्ड आ रही है तो आई हैव नो प्रॉब्लम। अभी देखो पपीते तोड़े हैं पेड़ से, एंड ये पेड़ में पक गए, कितना प्यारा दिख रहा है। बस ये वाला कच्चा है, बाकी ये सब देखो मस्त पक गए। ये भी देखो ये भी पक रहा था, बाकी पका नहीं है, बट ये पूरा हरा है। साइज देखो एक एक 2 किलो से ऊपर, इतना मीठा है ना, मार्केट में हम लोग जो खरीद के खाते हैं उससे भी बहुत अच्छा है। तो अभी तो मैं खा नहीं सकती, मैं खाली देखूंगी। तो गाइस लड़की को देखो 5 बज रहे हैं, अभी तक सो रही है, आज पता नहीं कैसे सो गए, सोई भी है तो 4:30-4:45 बजे। अरे अभी उठने के लिए बोल रही तो उठ नहीं रही तक। हे एवरीवन, शाम हो गए, शाम के 7 बज रहे हैं, मैं रामायण देख रही हूँ, हितिका स्टडी कर रही हूँ। इसके अलावा और मैं क्या ही ब्लॉग शूट करूँ, घर से कहीं आना होना जाना, बोलो घर का डेली रूटीन भी आप लोगों को कितना दिखाओ। फिलहाल तो मेरा पेट एकदम फूल गया है पूरा, और जगह नहीं है, इतना दर्द हो रहा है ना, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सोच रही हूँ कल जाऊँ डॉक्टर के पास कि नहीं जाऊँ, मेरे मन में खाली वही चल रहा है, क्योंकि संडे को फिर रायगढ़ जाना है बोलो, मैं अगर नहीं भी चाहूँगी तो पति देर जाएंगे बोल के, फिर कल शनिवार है, ऐसे में घर से निकलने में भी सोचना पड़ता है कुछ, वैसे देखते क्योंकि ना मेरे को सोने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मगर मेरी अभी मैं ज़्यादा करके सीधे सो रही हूँ, और ऐसे नहीं सोते हैं बोलते हैं ना, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँगी। इतना ज़्यादा खिंचा रहा है ना पेट, मैं तो बोलो हालत खराब है मेरी पूरी। मेरी आँखें देखो कैमरे में उतना पता नहीं चल, पूरे डार्क सर्कल आ गए आँखें नहीं। हेलो गाइस, इधर एक आ गई है हमारी खदड़ू महान। अभी थोड़ा ये पतली सतली हुई थी, अभी देखना अब मेरे नाक के पास मत ले जाओ, नहीं है ओ। तो अभी फिर ये 1 महीना भी छुट्टी रहेगा, घर में खा खा के फिर ये मोटी होने वाली, क्योंकि भूख इसको लग रहा है। अभी अंडा ब्रेड खाइए, 2 अंडा लिए, 2 ब्रेड लिए, तो उसको खाइए। 2 ब्रेड नहीं, हाँ 2 पाव था। प्रसाद है, मैं उसके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ। आज दोपहर में सोई भी नहीं हुआ अच्छे से, तो नींद भी आ रहा है मेरे को, एंड खाने का टाइम भी हो गया है मेरे, लेकिन पेट इतना दर्द हो रहा है तो मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, देखती हूँ थोड़ी देर में।